काशी विश्वनाथ धाम की ओर बड़ा रोपवे टावर के लिए मिली जमीने खर्च हुए करीब 2.25 करोड़ रुपए। देश और दुनिया से वाराणसी कैंट स्टेशन पहुंचने वाले शिव भक्तों की काशी विश्वनाथ धाम तक की राह सुगम हो इसके लिए रोपवे के 3 टावरों के लिए बुधवार को जमीन मिल गई। गोदौलिया से सिगरा के बीच टावर नंबर 15, 17 और 24 के लिए 8 मालिकों की 100 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन का बैनामा कराया गया। देश की पहली और दुनिया की तीसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे परियोजना काशी विश्वनाथ धाम की ओर बढ़ चली है। कैंट से गोदौलिया के बीच रोपवे के 3 टावरों के निर्माण के लिए बुधवार 2.25 करोड़ रुपए खर्च कर 8 जमीनों का बैनामा कराया गया। काशी विश्वनाथ धाम मॉडल पर जमीन बैनामे की प्रक्रिया में एक ही दिन में 8 रजिस्ट्री से विकास प्राधिकरण के अधिकारी उत्साहित हैं। देश और दुनिया से वाराणसी कैंट स्टेशन पहुंचने वाले शिव भक्तों की काशी विश्वनाथ धाम की राह सुगम होगी इसके लिए रोपवे के 3 टावरों के लिए बुधवार को जमीन मिल गई। गोदौलिया से सिगरा के बीच टावर नंबर 15, 17 और 24 के लिए 8 मालिकों की 100 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन का बैनामा कराया गया। प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार 15 अप्रैल तक निजी और सरकारी संपत्तियों का बैनामा पूरा कर लिया जाएगा। इसी महीने के अंतिम सप्ताह से टावरों का निर्माण शुरू हो जाएगा। निजी कंपनियों का बैनामा कराने के बाद सरकारी संपत्तियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल रोपवे के 5 टावरों के लिए 11 जमीनों की रजिस्ट्री कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। 3 और लोगों से जल्द ही जमीनों का बैनामा कराया जाएगा। जमीनों का बैनामा पूरा होने के बाद रोपवे का निर्माण 3 चरणों में पूरा करने की योजना है। पहले चरण में कैंट से भारत माता मंदिर रोड पर काम होगा। कैंट में काशी विद्यापीठ स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में भारत माता मंदिर से रथ यात्रा और लक्षा तक के रूट का निर्माण पूरा होगा। अंतिम चरण में लक्षा से गोदौलिया के बीच का काम कराया जाएगा। सरकारी जमीन पर 14 टावर, निजी पर खड़े होंगे 16 टावर। 30 पिलर पर चलने वाली रोपवे परियोजना में 1.59 हेक्टेयर जमीन आपसी सहमति पर लेने की योजना है। इसमें 0.96 हेक्टेयर निजी जमीन पर 16 टावर खड़े होंगे और 0.63 सरकारी जमीन पर 14 टावर का निर्माण किया जाएगा। कैंट स्टेशन, काशी विद्यापीठ सहित अन्य संस्थाओं की जमीनों का भी उपयोग किया जाएगा। We'll be right back.